बटाला विखे पंजाब आढ़ती एसोसीएशन वालों हड़ताल करदियां 27 दिसंबर तक पंजाब दे 1850 मंडी यार्ड बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस मौके प्रधान अते होर मैंबरां दा कहना है कि किसानी अंदोलन नूं पंजाब दे समूचे आढ़तियां वालों सहयोग दिता गया है, जिस दे चलदियां पिछले दिनां विच आढ़ती एसोसीएशन वालों मंडी यार्ड बंद रख के हड़ताल कीती गई अते पंजाब दे हर जिले तों जत्थे भी दिल्ली संघर्ष लई रवाना कीते गए, जिस तों घबरा के केंद्र हेठले पद्धर दी राजनीति करदियां आढ़तियां दे घरां ते कारोबारां ते इनकम टैक्स विभाग वालों छापे मरवारी है। उन्हां कहा कि ओह किसान भरावां नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हन। सुखदेव सिंह, आढ़ती बटाला एसोसीएशन। सुखदेव जी, कल मंडियां बंद रखियां जाणगियां, इहदे बारे थोड़ा दस्सो। मोदी सरकार ने जो किसानां जिहड़ा आढ़ती, मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा कि आढ़ती वर्ग जिहड़ा वा पिछले दिनां तों जो किसान संघर्ष कर रहे दिल्ली च, उन्हां दे नाल मोढे ते मोढा जोड़ के साथ दे रहा, ते किसान जिहड़ी इस गल तों हिताश च आण के केंद्र सरकार ने ये वो आढ़तियों निशाना बनाना शुरू करता। तो इस सिलसिले दे विच उन्होंने बीती रात पिछले दिन साढ़े सूबा प्रधान विजय कालड़ा जी, इस तरह होर दो मंडिया के प्रधानों के उत्ते घर के उत्ते छापे मार के, जिहड़े इनकम टैक्स के छापे मार के, जिहड़ा वो आढ़ती वर्ग को डराउण का यतन किया, जिहड़ा असी वो हर किते बर्दाश्त नहीं करांगे। तो आढ़ती भाईचारा केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का मूँह तोड़ जवाब देंगे। कितनी देर तो लैके कितनी देर तक जिहड़ी मंडियां बंद रखियां जाणगे, कितनियां मंडियां बंद रखियां जाणगे? साढ़े प्रधान साहब ने, जो सूबा प्रधान ने, 1850 मंडियां जिहड़े जाण ने साढ़े, वो दस्सिया तुहानूं पहलां वी, उहदे अनुसार कल तो 22 दसंबर तो लैके शनिवार तक बंद रहणगियां, ते असीं कोई भी काम नहीं करांगे, साडियां सारियां दुकानां बंद रहणगियां। किसान पिछले लंबे समय तो संघर्ष कर रहा, पहले पंजाब च भी चलता रहा, हुण दिल्ली जाके बैठा, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट अजे तक उन्हां दी गल कोई सुणदिया दिखाई नहीं दे रही। ये केंद्र सरकार की बदनीति है, केंद्र सरकार अड़ियर रवीए ते उन्हें रवैया अख्तियार किया है, जो निंदनयोग है। कारण है कि वेखो, एक देश का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, इन्हों चाहिए किसानों के दर्द में समझना चाहिए। तुम आप देखो, उत्थे बच्चे, इन्नी ठंड है, हड़ चीरवीं ठंड है, उहदे विच फिर भी मोर्चा ला के बैठे ने, ते केंद्र सरकार उन्हां दी गल सुनन दी बजाए, केंद्र सरकार उन्हां दी गल सुनन दी बजाए उन्हां ते उल्टा होर एलीगेशन ला रही है, ते संघर्ष नूं तार पीड़ो करन दा यतन कर रही है, एजेंसियां विच वाड़ रही है, संघर्ष नूं होर लमकाउण दा यतन कर रही है, तां कि किसान जिहड़ा उह हंभ जाण ते किसान संघर्षाद विच चले जाण, जिहड़ा इह कम्म कदी वी नहीं होणा। ते किसान केंद्र नूं इह रवैया छड्ड के किसानां दी गल सुननी पवेगी। इह मंडियां बंद लैण दा फैसला इदां लिया गया कि साडी जिहड़ियां आढ़तियां उत्ते इनकम टैक्स दीआं रेटां कर रहे ने, उन्हां नूं इह जापदा भी इह जिहड़े किसान जिहड़ा आढ़तियां नूं फंड कर रहे, उह आढ़ती अपने कोलों पैसे इकट्ठे करके ते आढ़तियां दे संघर्ष लई फंड भेज रहे आ, पर इह जिहड़ा फंड जिहड़ी इह साडे ते रेटां करन दे आ इनकम टैक्स वालियां, सानूं डराया धमकाया जा रहा, क्योंकि इह जिहड़े किसानां दे ते आढ़तियां दा 9 माह दा रिश्ता वा, क्योंकि इनू तोड़न की कोशिश कर रही है सेंटर गवर्नमेंट की सरकार, मोदी सरकार, पर ये ना इनकम टैक्स दी रेटा करन दे नाल 9 माह का रिश्ता जिहड़ा नहीं टुट सकता, क्योंकि शुरू तो पहलों अं किसान भी हाँ, बाद च अं आढ़ती हाँ, साडा शुरू तो संघर्ष रहा, जदों भी इस किसान के उत्ते कोई भी दिक्कत आई आदि मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के उन्हों का ही साथ दिता वा। मोदी सरकार जिन्नी मर्जी रेट कर ले, जो मर्जी कर ले, असी किसानां दे संघर्ष तो पिछे हटण वाले नहीं हाँ। ये जिहड़ी केंद्र सरकार आ, किसानां दीआं जिहड़ियां जानां गईआं वा, वो शहीदां दे विच गिणे जाणे, उन्हां नूं शहीदां दा दर्जा दित्ता जाणा वा, जिहड़ा भी संघर्ष दे विच किसे दी इहो जी घटना हो जांदी आ, उहनूं शहीदां दा संघर्ष, शहीदां दा संघर्ष कहा जांदा। साडी कौम ते शुरू तो जे गुरु तेग बहादुर ने चांदी चौंक दे विच अपनी कुरबानी दित्ती, साडियां कौमां जदों भी किसे कौम ते जुल्म हुंदा वा ते सब तो पहलों सिख कौम उस जुल्म दे खिलाफ लड़दी आ। अज ते साडा अपना संघर्ष आ, किसानां दा संघर्ष आ। तुहानूं पहलां तुहाडा धन्नवाद करदा आ कि तुसीं अपने जिन्ने भी यूट्यूब वाले, जिन्ने भी साडे चैनल आ, जिन्हां ने हुण तक साडियां सारियां न्यूज़ां जिहड़ियां साडे भारतीय किसान यूनियन दीआं, और जिन्ने भी संघर्ष दे विच साडे हुण तक जिन्ने भी एजिटेशनां होईआं, तुसीं तगड़े हो के ये जिहड़ियां अपने माध्यम राहीं जिहड़ियां सारियां वर्ल्ड दे विच भी पहुँचाईआं, ते इस करके जिहड़ा तुसीं मैनूं सवाल कीता आ, ये साडी समुची बाडी जिहड़ी आ साडी पंजाब दी आ, साडी कलकत्ती मैंबरी कमेटी की मीटिंग होई बागे पुराणे मीटिंग विच, जिहड़ा साडे पंजाब दे प्रेजिडेंट आ, सूबा प्रधान जिहड़े साडे विजय कालड़ा जी, उहनां दे घर भी रेट होई, साडा जिहड़ा आढ़ती शोषण जिहड़े आ, जिहड़ा साडा चीमा ग्रुप जिहड़ा, उहनां दे जिहड़ा प्रधान आ जिहड़े पटियाले दे, उहनां दे घर भी रेट होई,
उस नवें शहर के प्रधान उन्होंने घर भी रेड हुई। इस करके जड़िया रेडा सगिया ये साडा जिमीदारां दी दाल जी असं उन्हां दी हैल्प कर रहे हैं, जो भी असं उन्हां दी मदद कर रहे हैं, जो एजुटेशन कर रहे हैं, तगड़े होकर जिदन का उन्होंने ये धरने पर बैठे आ उदन का असं भी समुची सारी पंजाब की बाडी ने एक प्रण लिया भी असी इन दे नाल तगड़े होकर साथ देना, असी इन तो पिछे नहीं हटना, क्योंकि जोड़ा असी अज इन तो पिछे हटते हैं तो साडा तो जोड़ा किसान का नौ मास का रिश्ता। इस करके असी मंगलवार तो लैके शनिवार तक पंजाब के जिन्हें 1850 मंडी यार्ड आ सारे बंद किए, कोई भी मंडी यार्ड नहीं खोलेगा इस रोस वजह जो इनकम टैक्स ने साडे उत्ते रेटा कीतियां उहदे संबंध में। बटाला तो जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सत श्रीकाल दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता पीडी एजुकेट तो अज असी यूके का एक होर वीजा दिता वा संदीप सुनारी योडा, मैं मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया तो फाइल इतों बिटेन रजिस्टर करवाओ तो अज मेरा वीजा आया। आई एम वेरी हैप्पी, माय पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਸਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ 12 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਫਟਰ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 72 ਯੂਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਯੂਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ।